हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड गाइस, ये हमारे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सीरीज का होने वाला है दूसरा एपिसोड। तो गाइस, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, जहाँ पे गाइस हमने अपने स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करे थे, एंड उसके बाद गाइस हमने अपने लिए कैंप फायर वगैरह बनाया था। एंड गाइस, आज की वीडियो में जो है ना, हम अपने के लिए सबसे पहले थैच का घर बनाएंगे, एंड उसके बाद गाइस हम अपने के लिए कुछ डायनोज वगैरह टीम करेंगे, जो कि गाइस आगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम अपने के लिए थैच का घर बनाने के लिए हमें थैच वगैरह फार्म करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर जो है ना, हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थैच चाहिए, एंड उसके बाद गाइस हमें थोड़ा सा वुड चाहिए होगी गाइस, एंड फाइबर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अभी जो है ना, मैं अपने के लिए फाइबर वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जब तक गाइस हम फाइबर वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नए हैं, जिसने भी गाइस अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना। वैसे गाइस, आज की वीडियो में लाइक का एम कितना रखें, तो ऐसे करते हैं गाइस, आज की वीडियो में हम एम का लाइक रखते हैं 100। आई होप गाइस आप लोग 100 लाइक को कंप्लीट करा ही दोगे। तो गाइस, यहाँ पर जैसे मैं फैक्स वगैरह फॉर्म कर रहा था, एंड फार्म करते करते गाइस यहाँ पे मेरे को स्टिगोसॉरस का एक अंडा दिखा। वैसे गाइस, मेरा काफ़ी ज़्यादा मन करने लगा था इस अंडे को मैं अपने साथ लेके जाऊँ, पर गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डर भी ये भी लग रहा था, अगर स्टिगोसॉरस गाइस अगर मेरे पास में हुआ तो समझ लो यार, अंडे के साथ मेरा भी अंडा ही कचुम्बर बन जाएगा। तो मैंने गाइस सबसे पहले इधर उधर देखा, मेरे को कहीं पर भी स्टिगोसॉरस नहीं दिखा। तो गाइस मैंने मौका मिलते ही इस अंडे को उठाया और यहाँ से भागता बना। वैसे गाइस जो है ना, मैंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थैच एंड वुड वगैरह फार्म कर रहा था, एंड एक बॉक्स में गाइस आई थिंक इतना मेरे पास थैच एंड वुड होगी होगा कि मैं एटलीस्ट यार अपने के लिए छोटा सा बेस वगैरह बना सकूं। तो गाइस यहां पे देखो, मैंने अंडा उठाया एंड सीधा गाइस यहां पे से भागता हुआ बना। एंड मेरा कैंप फायर कहाँ पे है गाइस, मैंने जहाँ पे कैंप फायर, ओके गाइस यहाँ पे देखो मेरी कैंप फायर वगैरह लगी हुई है। वैसे गाइस यहाँ पे मैंने जो है ना, दो स्टोरेज बॉक्सेस भी लगा के रखे हुए, जिसके गाइस अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फार्म भर के रखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले गाइस मैं ऐसे करता हूँ ना, परस्यूट का मिशन अनलॉक कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मिशन के हिसाब से करूँगा ना मैं, तो मेरे को एक्सपी गेन ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा मैं वुड ले लेता हूँ एंड थोड़ा सा थैच वगैरह ले लूँगा, एंड फाइबर जो है ना गाइस मैं अपने बॉक्सेस से सारा निकाल दूंगा। अभी जो है ना गाइस, मेरे को यहाँ पे 2x2 का बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले 4 फाउंडेशन क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड जितना भी गाइस मेरे पास एक्स्ट्रा वुड वगैरह है, मैं वो अपने स्टोरेज चेस्ट में रख देंगे। ओके गाइस, चलो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं ना, अपने के लिए स्टार्टर बेस बना लेते हैं, क्योंकि गाइस मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ। तो गाइस इस वाली सीरीज में जो है ना, हमारा जो मेन बेस होगा गाइस, वो इसी लोकेशन में होने वाला है। तो चलो गाइज, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ ना, फटाफट से गाइज अपने फाउंडेशन वगैरह प्लेस करता हूँ। एक फाउंडेशन गाइज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, दूसरा भी गाइज मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ऐसे करते गाइज तीसरे को यहाँ पे प्लेस करते, चौथे को। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हमने फाउंडेशन वगैरह तो प्लेस कर लिया गाइज। अभी जो है ना, मेरे को यहाँ पे वॉल क्राफ्ट करनी है, एंड साथ के साथ गाइज एक डोर फ्रेम, एक डोर भी हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे गाइज वो क्राफ्ट हो जाएंगे ना, तो हम डायरेक्टली गाइज यहाँ पे इसमें प्लेस कर लेंगे। तो गाइज अभी ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। आई होप गाइज यहाँ पे मेरे डोर एंड डोर फ्रेम जो है ना, वो ऑलरेडी क्राफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं इनको अपनी हॉट बार में लेके आ जाता हूँ। तो गाइज अब जो है ना, मेरे को यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं इजीली गाइज यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो चलो गाइज, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ ना, डोर फ्रेम प्लेस करता हूँ। तो ओके गाइज यहाँ पे मैंने डोर फ्रेम प्लेस कर लिया, एंड साथ के साथ गाइज मैंने यहाँ पे डोर भी प्लेस कर लिया है। अब मेरे को गाइज एक्स्ट्रा वॉल जो है ना, वो प्लेस करनी है। चलो गाइज फटाफट से हम जो एक्स्ट्रा वॉल है ना, वो प्लेस कर लेते हैं। तो गाइज अभी जो है ना, मेरे को 3 वॉल और प्लेस करनी है, अब यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं एक यहाँ पे। सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा वॉल वाला सेक्शन है, वो ऑलमोस्ट यार कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को गाइज अभी 4 सीलिंग और क्राफ्ट करनी है। तो चलो गाइज सबसे पहले मैं 4 सीलिंग क्राफ्ट कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आई थिंक हमारा 4 सीलिंग जो है ना, काफ़ी जल्दी क्राफ्ट हो जाएगा। एक तो बन चुका है, तो चलो गाइज मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। दूसरा, ओके गाइज दूसरा बन चुका है, तीसरा भी प्लेस कर लिया। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो हमारा बेस वाला मिशन है ना, वो ऑलमोस्ट यार कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज मैंने डिसाइड करा यार, बाहर वाले बैग्स जो है ना, वो मेरे डायनोज वगैरह तोड़ दे रहे हैं। जैसे गाइज मैं ऑफलाइन खेल रहा था, यहाँ पे गाइज एक डिलोफोसोरस जो था, उसने मेरे बेस में अटैक करा एंड मेरा कैंप फायर भी तोड़ दिया था। साथ के साथ गाइज मेरा बैग जो था,
वो भी गाइस डिलोफोसोरस ने तोड़ दिया था। तो मैंने डिसाइड करा यार सबसे पहले मैं अपना जो स्लीपिंग बैग है वो अपने छोटे से बेस के अंदर बनाऊंगा। तो गाइस मेरे को स्लीपिंग बैग बनाने के लिए आई थिंक गाइस मेरे को हाइट चाहिए, जो कि गाइस मेरे पास अभी हाइट इतना है नहीं कि मैं बैग बना सकूं। सो मेरे को गाइस 4 हाइट और चाहिए होगा। उसके लिए गाइस मेरे को डायनोस वगैरह को किल करने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, चलते हैं। देखो गाइस मेरे पास 5 हाइट का कमी है एंड अभी गाइस जो मेरे को हाइट मिलेगा ना वो मैक्सिमम यार डोडो को किल करने से मिलेगा, क्योंकि गाइस अभी जो मेरी औकात है ना वो सिर्फ डोडो को किल करने की है। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे डोडो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस डोडो वगैरह तो नहीं मिला, पर गाइस यहाँ पे मुझे 5 लेवल का डिलोफोसोरस दिखा। तो इसको मैं गाइस यहाँ पे इजीली मार सकता हूँ। तो मेरे पास वुडन क्लब था, तो गाइस मैंने यहाँ पे इसमें 5 से वुडन क्लब हिट करी एंड गाइस यहाँ पे जो मुझे हो चुका था अनकॉन्शियस एंड फटाफट से गाइस इसको किल करके एंड हार्वेस्ट भी कर लेते। आई थिंक गाइस इसमें तो मेरा जो स्लीपिंग बैग है वो इजीली क्राफ्ट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से गाइस मैं अपने के लिए स्लीपिंग बैग बनाता हूँ एंड उस स्लीपिंग बैग को गाइस मैं क्या करूँगा अपने थैच वाले बेस के अंदर इजीली प्लेस कर देंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देखो मैंने जो स्लीपिंग बैग है वो क्राफ्ट में लगा लिया है। जैसे गाइस वो क्राफ्ट होगा ना फटाफट से हम अपने हॉट बार में गाइस उसे शिफ्ट कर लेंगे, जिससे गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको प्लेस करने में। तो मैं गाइस जो अपना स्लीपिंग बैग है ना वो यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने स्लीपिंग बैग तो प्लेस कर लिया है एंड गाइस अभी मैं क्या सोच रहा था, तो सबसे पहले गाइस ऐसे करता हूँ ना, मेरा वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपने के लिए वाटर लेवल जो है वो फुल करके आऊँगा एंड उसके बाद गाइस हम डिसाइड करेंगे कि अपन को क्या करना है। वैसे गाइस मेरा मन कर रहा था यार मोर्टार्डन पिस्टल की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि गाइस मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गाइस अपन लोग डिलोफोसोरस टेम करेंगे, मैं भी 3 से 4 डिलोफोसोरस अपन टेम करने वाले हैं। तो ज़्यादा ट्राई करूँगा गाइस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के डिलोफोसोरस टेम करूँ, सो उसको गाइस अनकॉन्शियस उसको ट्रॉपल लेवल कंटिन्यू करने के लिए। तो मेरे को गाइस नार्कोटिक्स चाहिए होगा जो कि गाइस हमारे मोर्टार्डन पिस्टल में बनेगा। तो सबसे पहले गाइस मैं ऐसे करता हूँ इंजन में चलते हैं एंड मोर्टार्डन पिस्टल जो है ना गाइस वो अनलॉक कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे मोर्टार्डन पिस्टल बनाने के लिए मेरे को अराउंड यार 65 स्टोन्स चाहिए, जो कि गाइस इतने जल्दी तो मिलने वाले नहीं है। सो उसको गाइस मैं इजी करके फार्म करूँगा, मतलब स्लोली गाइस फार्म वगैरह कर लेंगे। पर गाइस उससे पहले जो है ना यहाँ पे मेरे को एक परस्यूट का मिशन मिला है जो कि है टेम डोडो। ओके गाइस यहाँ पे जो है ना हमें डोडो को टेम करना है, तो चलिए गाइस यार फटाफट से डोडो को टेम करते हैं। वैसे गाइस मेरे पास जो है ना बेरीज काफ़ी ज़्यादा है, तो डोडोस जो है ना गाइस वो इजीली टेम हो जाएगी। तो चलो गाइस फटाफट से ऐसे करते हैं ना, डोडो ढूंढने निकलते हैं। वैसे गाइस मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में सर्च का ऑप्शन है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा तेज ब्लिंक कर रहा है, तो मेरे को लगा गाइस जो डोडो है ना यहीं पर है। एंड कुछ देर बाद गाइस ये जो सर्च वाला ऑप्शन था वो गायब हो गया था, तो मेरे को लगा गाइस जो डोडो था ना वो डिलोफोसोरस ने आई थिंक किल कर दिया। तो तभी गाइस यहाँ पे जो है ना डिलोफोसोरस का एरो जो है ना वो शो नहीं हो रहा है। तो गाइस कुछ दूर जाने के बाद मेरे को यहाँ पे एक डिलोफोसोरस दिखा, डोडो। सो फिर क्या था गाइस मैंने डिसाइड करा इसको फटाफट से अनकॉन्शियस करता हूँ। वैसे गाइस मेरे पास वुडन क्लब था, वुडन क्लब से गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको मारा, तब तक गाइस जो हमारा वुडन क्लब था ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिर क्या था गाइस मैंने इसको मुक्के से मारना स्टार्ट करा। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जो है ना ये अनकॉन्शियस हो चुका है। तो गाइस मेरे इन्वेंट्री में जितनी भी बेरीज वगैरह है मैं इसकी इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ एंड साथ के साथ गाइस हम नार्को बेरीज वगैरह भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वैसे गाइस मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे नार्को बेरीज की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, पर गाइस फिर भी देख लेते हैं कि नार्को बेरीज की क्या पता गाइस ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट यार टेम होने वाला था, तो गाइस हमारे पीछे जो है ना हमारे ऊपर जो है ना गाइस एक डिलोफोसोरस एग्रो हो गया था। सो मैंने डिसाइड करा यार यहाँ पे सब भागना ही बेटर रहेगा, अगर भागूंगा नहीं तो डिलोफोसोरस 101% गाइस जो मैंने डोडो को अनकॉन्शियस करा है ना उसमें अटैक करेगा। तो देखो गाइस अभी किस तरीके से हम यहाँ पे सब भागते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो ये जो डोडो है ना ये यार ऑलमोस्ट 40% टेम हो चुका है एंड 60% रह चुका है। तो गाइस अभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो देखो गाइस डिलोफोसोरस यहाँ पे से जा रहा है एंड गाइस यहाँ पे देखो कुछ देर बाद ये मेरे ऊपर एग्रो होने वाला है। तो मैंने डिसाइड करा यार इसको थोड़ा सा हम परेशान करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे से भागने का ट्राई करेंगे, बस गाइस ये जो हमारा डोडो है ना उसको ना मारे। मेरे को पता नहीं गाइस अभी अपन को डोडो को मारेगा या नहीं मारेगा, वो गाइस अभी देख के जाना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है गाइस अपन का जो डोडो है ना
वो ऑलमोस्ट सेफ है। तो सबसे पहले गाइस मैं अपना वाटर लेवल जो है ना वो फुल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वाटर लेवल जो है ना गाइस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने वाटर पानी वगैरह पी के आया। एंड अब गाइस मैं यहाँ पे अपनी डोडो को ढूंढ रहा हूँ जो कि गाइस हमने टेम किया था। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपन लोगों को यार वो डोडो मिल चुका है। तो चलो गाइस सब फटाफट से इसका सबसे पहले हम नेम रखते हैं। नेम क्या रखें, तो ऐसे करते हैं गाइस अभी डोडो ही रखते हैं, क्या पता कोई भाई हमें इसका नाम सजेस्ट कर दे। सो उसके बाद गाइस हम इसका नाम रखेंगे। अब गाइस मैंने डिसाइड करा अपन का डोडो जो है ना वो यार इजीली टेम हो चुका है, तो चलो गाइस फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपने बेस में। वैसे गाइस मैं डिसाइड कर रहा था कि इसको पकड़ के लेके चलूं, पर गाइस यहाँ पर जो है ना नाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, सो मेरे को गाइस कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने डिसाइड करा सबसे पहले इसको नीचे गिराता हूँ एंड विसिल बजा के इसको अपने पीछे फॉलो करा दूंगा। एंड उसके बाद गाइस हम टॉर्च से अपना बेस वगैरह ढूंढेंगे कि हमारा बेस कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे देखो लिटरली मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ अपने बेस को ढूंढने में, एंड मेरे को गाइस जो है ना मेरा बेस नहीं दिख रहा है। और गाइस मैंने यहाँ पे विसिल बजाया एंड जो अपना डोडो था ना गाइस आई थिंक वो मेरे को फॉलो करेगा। सो जी हाँ गाइस यहाँ पे जो डोडो है ना वो मेरे को फॉलो कर रहा है। और अपन का बेस कहाँ है यार? ओके गाइस फाइनली यहाँ पे जो है ना अपन को अपन का बेस मिल चुका है। तो चलो गाइस यार फटाफट से यहाँ पे अपने स्लीपिंग बैग में जो है ना फटाफट से सो जाएंगे एंड जल्द से जल्द गाइस मॉर्निंग का वेट करते हैं। एंड जैसी गाइस मॉर्निंग होती है ना यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हाइट वगैरह चाहिए, क्योंकि गाइस हमें जो है ना अभी स्टोरेज बॉक्सेस लगेंगे अपने बेस में। एंड अपने के लिए गाइस मोर्टार एंड पिस्टल बनाना है, और उसके लिए गाइस मेरे को स्टोन वगैरह भी फार्म करना है। तो गाइस यहाँ पे देखो मॉर्निंग हो गया है एंड जब अपन का गाइस वाटर लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया, तो मेरे को गाइस सबसे पहले यहाँ पे जाकर पानी पीना पड़ेगा। तो चलो गाइस ऐसे करते हैं ना पानी पी के आते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कि आगे अपन को क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैं अपने के लिए वुड वगैरह फार्म कर रहा था। आई थिंक गाइस जो मेरा वुडन क्लब था उसे रिपेयर करना था, तो गाइस इसलिए मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा सा हम वुड फार्म कर लेते हैं एंड उसके बाद गाइस चलते हैं हम अपना वाटर लेवल फुल करने के लिए। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है एंड गाइस मेरे को यहाँ पे एक और क्रिएचर दिखा जो कि ल्यूस्ट्रोसॉरस था। आई थिंक गाइस इसको टेम करने के लिए हमें आर्मर बेरीज चाहिए, जो कि गाइस मेरे पास ऑलरेडी 42 है। तो देखते हैं गाइस इसको टेम करते हैं। ओके गाइस आई थिंक ये जो है ना पेसिव टेम है। सो गाइस इस डाइनो को जो है ना हम ईजिली इस तरीके से टेम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जो गाइस आपकी बेरीज है ना वो आपको अपने हॉट बार में रखना है। तो गाइस जैसे इसका फूड लेवल ख़त्म हो जाएगा एंड इसको गाइस भूख लगेगी, तो गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है उसके सामने जाना है एंड बेरीज में क्लिक करना है। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली बेरीज जो है ना इसके सामने गिर जाएगा एंड वो गाइस उस बेरीज को खा लेगा। तो गाइस उसका धीरे धीरे करके जो है ना टेमिंग इफेक्ट बढ़ता रहेगा। तो देखो गाइस एक बेरीज खाने से इसका ऑलमोस्ट यार 5 लेवल बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। सो एटलीस्ट यार मेरे को 20 बेरीज इसको खिलानी पड़ेगी, तो गाइस ये तब भी टेम होगा। सो उसमें तो गाइस यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइस मैं ऐसे करता हूँ ना सीधा आपको मिलता हूँ जहाँ पे इसका लेवल जो है ना ऑलमोस्ट टेम होने वाला था। तो गाइस जैसे ये 30% टेम हुआ तो गाइस अपन के सामने एक स्टीगो स्पॉन हुआ था। तो गाइस यहाँ पे देखो अभी क्या ही गजब का सीन करेगा स्टीगो। एंड गाइस कम लेवल का भी नहीं यार, ऑलमोस्ट 55 लेवल का स्टीगो है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तो गाइस सीधा जो स्टीगो के पेट के अंदर घुस गया था। देखो गाइस यहाँ पे, सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ एंड सबसे पहले गाइस अपने ल्यूस्ट्रोसॉरस को जो है ना हम ऑलमोस्ट टेम करेंगे। वैसे गाइस इसको टेम करने में जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। सो गाइस यहाँ पे मैंने डिसाइड करा जब तक यार इसका फूड लेवल कम होता है तब तक गाइस मैं अपने के लिए जो है ना स्टोन्स वगैरह कलेक्ट कर लूँगा। तब तक गाइस आई थिंक 65 स्टोन चाहिए। सो इस वाले रॉक से गाइस अराउंड मेरे को 65 स्टोन तो इजीली मिल जाएगा एंड उसके बाद देखते हैं गाइस कि अपन को क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे देखो इसका टेम कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट यार 60 या 70% टेम हो चुका है। अब 30% रह गया है गाइस, आई थिंक 7 से 8 मिनट जरूर लग जाएंगे इसको टेम होने में। तो देखो गाइज अभी भी इसको भूख वगैरह नहीं लग रहा है, तो अपन लोग गाइज यहाँ पे थोड़ा सा वेट वगैरह कर लेते हैं।
अगर गाइस ऐसे ही रहा ना तो मैं इसको सीधा किल करके निकल जाऊंगा यहाँ पे से। अभी गाइस जो है ना, मैं थोड़ा सा स्टोन वगैरह फार्म कर रहा हूँ। सो देखो गाइस, यहाँ पे जो है ना लिस्ट्रोसॉरस को मैं किस तरीके से फंसाता हूँ आपको वो देखेगा इस, काफी ज्यादा गजब का मजा आने वाला है। तो देख लीजिए गाइस, अभी जो है ना एकदम फोकस होकर जो है ना हम स्टोन फार्म कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस, आई थिंक मेरे पास 65 स्टोन से अबव तो हो चुके हैं। सो अपने के लिए गाइस मैं जो है ना मोर्टार एंड पिस्टल जो है ना इजीली बना सकता हूँ। तो ये भी गाइस ऑलमोस्ट टेम होने वाला है। तो गाइस मैंने यहाँ पे देखो इसको ट्रैप कर लिया है। सो फाइनली गाइस, जो डिस्ट्रोसॉरस था वो ऑलमोस्ट यार टेम हो चुका है। अब गाइस अपन को क्या करना है वो देखना पड़ेगा। वैसे गाइस अपन तो सबसे पहले जो है ना डोडो भी टेम हो गया था, ल्यूस्ट्रोसॉरस भी टेम हो गया था। तो गाइस अभी जो है ना मेरे को यहाँ पे मोर्टार एंड पिस्टल बनाना पड़ेगा। वो देखते हैं गाइस कि मोर्टार एंड पिस्टल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। आई थिंक गाइस मोर्टार एंड पिस्टल के ना मेरे को अराउंड 20 हाइट्स तो चाहिए होगा। वो देख लेंगे गाइस अभी धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले गाइस मैं ऐसे करता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे को हाइट वगैरह चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे जितने भी डिलोफोसॉरस वगैरह है ना, ये फिर क्या बोलते हैं गाइस यहाँ पे डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं। नहीं यार, मैं गाइस लास्ट डे रूल सर्वाइवल में आ गया। तो यार अपना बेस किधर है? ओके गाइस, आई थिंक अपना बेस तो यहाँ पे था। चलो गाइस ये जितने भी डोडोज है ना इसको मार लेंगे। कोई ना गाइस मीट एंड हाइट तो मिलेगा। अरे गाइस ये तो कतई दूर जा रहा है, मरने के बाद भी गाइस पास में स्पॉन नहीं हो रहा है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जितने भी डायनोज वगैरह किल करे थे वो सारे के सारे गाइस हार्वेस्ट कर लिए हैं। एंड अपन के पास गाइस जो है ना मीट अभी काफी ज्यादा है। तो चलो गाइस मोर्टार एंड पिस्टल बनाते हैं एंड उसको फटाफट से हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो गाइस ये जो मोर्टार एंड पिस्टल है ना मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे अपन लोगों ने जो है ना मोर्टार एंड पिस्टल भी प्लेस कर लिया है। देख लीजिए गाइस मेरी इन्वेंटरी में जो है ना स्टोरेज बॉक्स में गाइस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है ना स्टोन वुड स्टोन एंड फाइबर वगैरह था। सो वो हम देखेंगे, पर गाइस उससे पहले जो है ना मैं अपने के लिए छोटे से स्टोरेज बॉक्सेस बना लेता हूँ। अराउंड गाइस मेरे को 4 स्टोरेज बॉक्सेस चाहिए। वो सारे के सारे स्टोरेज बॉक्सेस जो है ना मैं गाइस अपने छोटे से बेस में प्लेस करूँगा। सो जितने भी गाइज मेरे पास प्रीसीरियस रिसोर्सेज वगैरह होंगे सो सारे के सारे गाइज मैं इन स्टोरेज बॉक्सेस के अंदर रख दूंगा। तो यहाँ पे गाइज मैंने एक तो प्लेस कर लिया, अब गाइज मैं दूसरा भी प्लेस करता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में। सो फाइनली गाइज यहाँ पे देखो ये तीसरा स्टोरेज बॉक्सेस है, पर यहाँ पे गाइज वो लग नहीं पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं गाइज कि एटलीस्ट यार यारा जो है ना ये प्लेस हो जाए स्टोरेज बॉक्सेस। ओके गाइज फाइनली ये जो स्टोरेज बॉक्सेस थे ना वो ऑलमोस्ट प्लेस हो चुके हैं। तो गाइज मैंने 4 जो है ना कॉलम में लगा लिए थे, पर गाइज कॉलम में लगाने से दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैंने डिसाइड करा इसको ऐसे करो ना यहाँ पे लगा दूँ। एंड उसके बाद गाइज हम चले गए थे यहाँ पे से हार्बर। अरे हार्बर यार गाइज गलती से वो निकल जाता है। ये प्लेस करने के बाद गाइज स्टोरेज बॉक्सेस एंड हार्बर निकल गया गलती से। सो गाइज यहाँ पे देखो अपने वुडन के स्टोरेज बॉक्स तो प्लेस कर लिए। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइज अगली वीडियोस में जो है ना हम अपने के लिए छोटे से डायनोज वगैरह
टेम करेंगे एंड अपने के लिए गाइस डोडो एग का किबल भी बनाएंगे, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों को ज़रूरत होती है उसकी। सो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना एंड मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यार मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आई होप गाइस आप लोगों को जो है हमारी आर्क की सोलो सीरीज का दूसरा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड जाने से पहले गाइस मैं ये टॉर्चेस जो है ना वो प्लेस कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे जो स्टोरेज बॉक्सेस बोलता हूँ ना, सीधे गाइस अपनी जो वॉइस ओवर है ना वो चल जाती है लास्ट ईयर सर्वाइवल में, उसके लिए गाइस सॉरी मांगता हूँ मैं। वो थोड़े थोड़े करके गाइस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि गाइस मेरी मैक्सिमम जो वॉइस ओवर चलता है ना वो लास्ट डे रूम सर्वाइवल की वीडियोस के ऊपर चलता है, तो इसलिए गाइस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वहाँ पे हो जाता है। एंड जैसे गाइस यहाँ पे रात होगा ना इसको हम फायर करने वाले हैं। अपन का गाइस लुस्ट्रोसॉरस वगैरह भी आ चुका है एंड डोडोस तो गाइस अपन की यहीं पर बैठी हुई है कब से। और वैसे गाइज मेरे को एक लेवल अप मिला, सो मैंने गाइज उसका फटाफट से लेवल अप कर लिया है। तो इस बारी का लेवल गाइज मैंने जो डाला है ना वो फूड में डाला है एंड अभी गाइज मैं इनग्रिम चेकआउट करने लगा हूँ। वैसे गाइज बो एंड एरोस तो आई थिंक अनलॉक नहीं हुआ है, तो जल्दी गाइज वो भी अनलॉक हो जाएगा। तो चले गाइज मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।